कोर्ट सफजल से नंदलाल की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट सफजल कनवाही इलाका चौक बोर्ड के रहने वाले सुबा लाशारी के घर में आग लगाई गई। सुबा लाशारी ने अपने दुख बयान करते हुए मीडिया को बताया है कि हमारे घरों को आग लगाने वालों का नाम बरातला और वली मोहम्मद और कादर और इतफाक, इनके वालिद का नाम मोहम्मद हसन, उसके अलावा गुलाम नबी गोबर और उन्होंने मिलकर घर को आग लगाई। पूरा घर जलकर राख हो गया, जिनमें दो बेटियों का दहेज भी शामिल है। और हम अपील करते हैं इमरान खान साहब और पंजाब आईजी से, डीआईजी बहावलपुर और डीपीओ रहीम यार खान से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और इन मुलजमान को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए ताकि किसी गरीब से नाइंसाफी ना हो सके। सूबा लाशारी को कहना है कि घर को आग लगाने वालों को मुझे और मेरे भाइयों बेटों को मौत मार धमकियां भी दी जा रही हैं। सूबा लाशारी का कहना है कि हम गरीब हैं और हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं, खुदारा हमसे इंसाफ किया जाए।